हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में स्टार्ट का बटन होता है इसके बारे में। ये विंडोज एक्सपी में ये स्टार्ट का बटन बाय डिफॉल्ट होता है और विंडोज 7 में भी बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन उसके बाद की जो विंडोज हैं आपकी जैसे विंडोज 8, विंडोज 8.1 और विंडोज 10, उसमें ये स्टार्ट का बटन बाय डिफॉल्ट नहीं आता। उसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है, इस तरह से शो होती है। जैसे ये मेरी विंडोज 8 है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें स्टार्ट बटन को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यही आपको बताऊंगा कैसे आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी विंडोज 8, 8.1 और विंडोज 10 में इस तरह से अगर स्टार्ट का बटन इंस्टॉल कर लेंगे तो ये प्रोग्राम ओपन करने के लिए थोड़ा इजी होता है। अदरवाइज वो आपको इस तरह से ये यहाँ से आपको प्रोग्राम सर्च करना पड़ता है, फिर ये ओपन करते हैं यहाँ से। तो इजी है जैसे विंडोज 7 और विंडोज एक्सपी में बटन होता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे इसको इंस्टॉल करना है। लेकिन दोस्तों, इंस्टॉल करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक जो मेन फीचर्स हैं वो बता देता हूं, उसके बाद इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं इसे स्टार्ट बटन के कुछ मेन फीचर्स। स्टार्ट बटन पे आप राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस, ये सिस्टम इंटीग्रेशन, इसके अंदर आप देखिए लॉन्च द प्रोग्राम विद विंडोज, ओपन स्टार्ट मेन्यू एक्स बाय प्रेसिंग द शिफ्ट विंडोज की ऑन द कीबोर्ड। अगर हम कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ विंडोज की प्रेस करेंगे तो आपका स्टार्ट का बटन इस तरह से ये ओपन हो जाता है। तो दोबारा से आएंगे ऑप्शन पे। मैंने इसमें ये कुछ फंक्शंस ये ऑन किए हुए हैं, आप भी चाहें तो कर सकते हैं, यूज करके देख लें। उसके बाद आता है आपका ये मैनेज हॉट कॉर्नर्स। आप ये मैनेज हॉट कॉर्नर को ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ से इसको हॉट कॉर्नर में ये ब्लॉक कर सकते हैं, ये स्टार्ट स्क्रीन इस तरह से आती है, इसको ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से। और अगर ये राइट साइड में देखिए, अगर इसको आप बंद करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ब्लॉक किए हुए हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, पर्सनलाइजेशन। इस पर्सनलाइजेशन में आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये पहला ही है आपका स्टार्ट बटन की स्किन। इस स्किन को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये पहला ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी और स्किन का कलर भी। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लासिक, क्लासिक स्काई करेंगे, देखिए क्लासिक स्काई इस तरह से हो गया है। और यहाँ से इसका साइज अगर चेंज करते हैं तो इसका पूरी स्किन का साइज चेंज होता है, देखिए इस तरह से। तो आपको जितना कंफर्टेबल लगे आप उतना कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको 15 किया हुआ है। उसके बाद ये है ऑटोमेटिक एडजस्ट द कॉलम विड्थ। इसका मतलब है ये जो कॉलम विड्थ है ये ऑटो अपने आप जितना नेम होगा उतना ही अपने आप एडजस्ट कर देगा उसको। अगला है इसमें इनेबल वर्चुअल ग्रुप। ये इसका मतलब होता है कि जब हम आप स्टार्ट बटन पर जाते हैं तो आपके यहाँ पे ये ग्रुप्स हैं, देखिए ये हल्का सा हाईलाइट हो रहा है, तो ये अपने आप ये ग्रुप बनाया हुआ है। इसके बाद ये फोल्डर्स के ग्रुप हैं, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्रुप। तो दोबारा से जाएंगे ऑप्शंस पे। अब आते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो है स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो आपका आइकॉन है, यहाँ ये जो आइकॉन आपका सिलेक्ट हो रखा है ये किस तरह का है। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ ये, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप इसको ले लीजिए, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एप्पल का आइकॉन भी है, आप इसको यहाँ से एप्पल का बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए जो भी आपको पसंद आए आप उस आइकॉन को ऐड कर सकते हैं। ये विंडोज 7 का आइकॉन है, ये विंडोज का है और ये भी विंडोज का है। तो मुझे ये बटन अच्छा लगा तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट इसका आता है कंट्रोल्स। अब इस कंट्रोल्स में आप देखेंगे, इसमें जाइए चेंज द कंट्रोल्स। इसमें आप ये देखेंगे सारी जितने भी आपके स्पेसिफाइड शॉर्टकट्स हैं आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लॉक के लिए F4 है, स्विच यूजर के लिए कंट्रोल प्लस F4, लॉग ऑफ F5, रिस्टार्ट के लिए F6, ये सारे आप यहाँ से जितने भी आपके शॉर्टकट्स हैं ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चेंज करेंगे वैसे ये आपके अप्लाई हो जाएंगे इसमें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें फिर भी, आप इसको यहाँ से रीसेट टू डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन क्या है, हाईलाइट द फाइल्स दैट आर अपडेटेड इन द लास्ट 6 डेज। या आप जो भी आप यहाँ से चेंज करेंगे आप दे सकते हैं 5 डेज, 4 डेज, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होंगी। सपोज आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो वो यहाँ पे इस तरह से अलग से हाईलाइट हो जाएगा। और इसमें एक फंक्शन और था लैंग्वेज का, आप लैंग्वेज भी इसमें चाहें तो यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इंग्लिश में है, आप अरबिक या जो भी लैंग्वेज आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये तो थे हमारे कुछ मेन फीचर्स, लेकिन इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू टैक्स और एंटर कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पहला ही ऑप्शन आ रहा है आपका, स्टार्ट मेन्यू x.com। तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड का बटन, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम विंडोज XP अप टू विंडोज 10 32 एंड 64 बिट। ये दोनों बिट्स में काम करेगा। तो आप इस स्टार्ट बटन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो अपने आप ही ये आपके टास्क बार पे यहाँ पे सेट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर इजीली ओपन कर सकते हैं। मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया है। फ्रेंड्स, जब ये आपका स्टार्ट बटन इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर ये अपने आप ही ये टास्क बार पे आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा, और आप इसको बेसिक फंक्शंस में आप जो भी चेंज करना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी विंडोज 8.1 और विंडोज 10 को यूज कर रहे हैं तो आप इस स्टार्ट मेन्यू एक्स बटन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इससे इजीली आप यहां से कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। आपको इस तरह की स्क्रीन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आप यहां से सर्च करेंगे, यहां से ओपन करना थोड़ा इजी होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे और उन वीडियो से आपको कुछ न कुछ नॉलेज मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।